नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। दिल्ली प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक ठग ने खुलासा किया कि उसने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पर तो हंगामा मचना ही था। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें उन्हें जेल में मसाज और फ्रूट और घर का खाना जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जिसे देखते हुए दिल्ली की प्रदेश की भाजपा, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गई। आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, ये पोस्टर तिहाड़ जेल के बाहर लगाया हुआ है, जिसमें केजरीवाल सत्येंद्र जैन की मसाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन आरोपों में कितना सच है अब, और इसके बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ईडी के जो आरोप हैं कि वीआईपी सुविधाएं मिल रही थी सत्येंद्र जैन को, उसमें कितना सच है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये दोहरे चरित्र की पार्टी है और सुविधाओं का सवाल है, इसको आप आम आदमी पार्टी अगर ना कहें, सीधे सीधे हफ्ता हवाला पार्टी अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हफ्ता हवाला पार्टी की मोड्स ऑफ अपरेंडी क्या है। जिस प्रकार से सुकेश चंद्रशेखर ने केवल सुविधाओं के आरोप नहीं लगाए हैं, सुकेश चंद्रशेखर ने इनकी जो भ्रष्टाचारी की कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से ये हफ्ता वसूली करते हैं, उन वो सारे राज उसने एक एक करके खोले हैं। और सुकेश चंद्रशेखर और कोई नहीं, जो इनके सत्येंद्र जैन मंत्री हैं उनके क्लोज एसोसिएट हैं, और उन्होंने कहा कि अरविंद और उनके माध्यम से ये पैसा इकट्ठा करते हैं, और वो पैसा लगभग 50 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के पास गया है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहने के हकदार ही नहीं है। कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अब सबको याद होगा, जब चुनाव लड़ा था अपनी बच्चों की कसम खा करके और किस तरह के वायदे किए थे कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर समाप्त करेंगे, हवाई जहाज में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपना एक पूरा एक कैमोफ्लाज किया था इस पूरे की पूरी चीजों को। लेकिन आज आप देखिए कि उन्होंने दिल्ली सरकार में रह करके 2 बंगले लिए हैं, 1,44,00,000 की गाड़ी उन्होंने खरीदी है। तो ये कौन सी केजरीवाल का पूरा रंग जो है ना, वो बदल चुका है और इसमें भ्रष्टाचार धन का बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं आजकल वो। आज सत्येंद्र जैन, खबर ये आई है कि सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर की जेल में मुलाकात हुई थी और सत्येंद्र जैन ने पूछा था कि तुमने वो बात बताई तो नहीं, सुकेश ने अपने लेटर में इस बात का खुलासा किया है। हाँ, तो ये और जो जिस प्रकार की, क्योंकि ये सब लोगों को समझना चाहिए कि ये खास आदमी पार्टी जिस तरीके से वीआईपी कल्चर का प्रयोग करके, और जो आपने कहा सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं, किस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट एक इनके मंत्री को जो जेल में है, जो भ्रष्टाचार के आरोप में है, जो लगातार केजरीवाल को हफ्ता पैसा वसूली पहुंचाने वाला व्यक्ति है, उसको वहाँ व्यक्तिगत रूप से फुट मसाजेस दी जा रही हैं, उसके लिए विशेष प्रकार का भोजन जा रहा है, उसको फोन की सुविधा है, उसको वहां पर आने जाने में कोई रोक नहीं है, उसके परिवार के लोग वहां पर जाते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा मिसयूज ऑफ पावर है। और दिल्ली की जनता जरूर ये समझे, देश की जनता समझे कि तिहाड़ जेल होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, तिहाड़ जेल पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंडर है और इसलिए दिल्ली सरकार ने उसको उनका ऐशगाह बना दिया है। इतना ही नहीं, ये आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से एंटी नेशनल जो लोग हैं उनके साथ भी जुड़ने में किसी प्रकार का गुरे नहीं करती है। जिस प्रकार से जहां सत्येंद्र जैन बंद थे वहां पर मूसे वाला जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है, जो मूसे वाला मर्डर में इन्वॉल्व है, उनके साथ भी साठगांठ करके इन्होंने
पैसा वसूली, हफ्ता वसूली, ये सारा का सारा इनका काम है। लगातार इसी तरीके से ये सारे काम करते हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, देश विरोधी गतिविधियां आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई नहीं है। कुमार विश्वास ने भी खुलासा किया था कि खालिस्तानियों से भी चंदा इन्होंने वसूला था पंजाब में, और खालिस्तानियों के सपोर्ट से ही सरकार बनाई है। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इतना पैसा ये लोग अगर भ्रष्टाचार से बना रहे हैं तो कुछ ठोस सबूत हाथ में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या है मतलब, कब तक कुछ ठोस सबूत आ पाएंगे ट्रांजेक्शन के? नहीं देखिए, ट्रांजेक्शन के बेनामी संपत्ति के सबूत तो इनके बारे में पहले भी आ चुके हैं, कोर्ट में इनको समन किया जा चुका है। और बेनामी कंपनियां खोल करके, अगर आपको ध्यान होगा, मैं 2015 के बाद आपको लेकर के जाता हूं, जहां पर जो बेनामी ट्रांजेक्शन होते थे, उन बेनामी ट्रांजेक्शन के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों में कंपनियों के नाम थे, वहां कोई एड्रेस ही अवेलेबल नहीं था। तो ये सरकार, इनके जो काम करने का तरीका है, जब ये पकड़े जाते हैं तो ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि देखिए साहब, हमको तो परेशान किया जा रहा है, हमको यही इन्होंने जो फंडिंग है सारी, आज गुजरात चुनाव के लिए जिस प्रकार से गुजरात कैंडिडेट ने भी वहां पर उनको कहा कि पर कैंडिडेट 20-20 लाख रुपए ये मांग रहे हैं, तो इनका चरित्र ही इस प्रकार का है। ये दिखाने का कुछ और करने का कुछ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ ये पार्टी है। ये ना तो आम आदमी पार्टी है, इस आदमी को आप हफ्ता वसूली पार्टी कह सकते हैं, इस आदमी को आप खास आदमी पार्टी कह सकते हैं। ये हफ्ता वसूली गैंगस्टर और टेररिस्ट के साथ मिलके भी करती है, जो देश विरोधी लोग हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं, और हर प्रकार का भ्रष्टाचार, हर प्रकार की सुविधाएं लेने में आज इन्होंने सारे रिकॉर्ड पुरानी पार्टियों के भी तोड़ दिए हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वो है विदेशी लॉबी का। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के इमरजेंस के पीछे, उसके उभार के पीछे कोई फॉरेन लॉबी सक्रिय है, क्योंकि जिस तरीके से फोर्ड फाउंडेशन और कबीर को फंड मिलते थे, उस पे कुछ आप प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, निश्चित रूप से पहले भी आया है इसमें कि किस प्रकार से अलग अलग फाउंडेशंस के माध्यम से इनको पैसा मिला है। और मुझे मुझे शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो देश विरोधी गति खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाला पन्नू जो है, जिसने लगातार खालिस्तान मूवमेंट को और किसान आंदोलन में अपनी नेगेटिव भूमिका निभाई है, उसके तार भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उसने तो ये भी कहा कि उसके नाम से भी इन्होंने, उसको भी नहीं बख्शा, उसके नाम से पैसा इकट्ठा किया। और उसने ये कहा, मुझे याद है, कि इन्होंने तो हमारे पैसे को हड़प लिया। तो यानी किसी भी हद तक ये कहीं भी जा सकते हैं। इनका कोई किसी तरह का चरित्र, ईमान इस पार्टी का नहीं है। तो फिर हम क्या उम्मीद करें कि इनका ये जो लूट तंत्र है वो कब तक चलेगा, ये कब तक केंद्रीय एजेंसियों के गिरफ्त में आ जाएंगे? नहीं, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं कि कब तक आएंगे। कानून का एक रोल है, कानून अपना काम करता है, एजेंसियां एक विस्तार रूप से इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और एजेंसियों में हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है, ना ही हमारी पार्टी करती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जिस प्रकार से उनको इनपुट मिल रहे हैं, जिस तरीके से इनके बारे में जानकारियां आ रही हैं, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, और उसके हिसाब से इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो एजेंसियां करेंगी। मैं ठोस सबूतों की बात कर रहा हूं। जब इतने सारे ठोस सबूत उपलब्ध हैं, तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये सब, इन्हें तो जेल के अंदर ही होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। लिकर स्कैम में सब चीजें सामने आई हैं और ईडी उस पर जांच कर रही है। अब ये निर्णय तो एजेंसियों को ही लेना है, इसमें रोल। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो बस मेरा इतना ही कहना है कि ये पार्टी जल्द बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये बहुत भ्रष्ट हफ्ता वसूली पार्टी है। अपने पैसे के लिए ये किसी के साथ भी साठगांठ कर सकती है और किसी प्रकार का भी समझौता कर सकती है, और गुजरात के चुनाव में भी ये हवाले के पैसे को प्रयोग करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, एक आखिरी प्रश्न जो कि बहुत अहम है, कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध कार्रवाई में जितनी भी देर हो रही है, जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग निर्दोष हैं, और केंद्र सरकार और भाजपा
इनको परेशान कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इस वजह से ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। जवाब मुझे नहीं देना है, इसका जवाब एजेंसियों का अपना एक प्रोसीजर है, हर एजेंसी किसी के लिए भी काम करती है, किसी भी केस पर जब काम करती है तो पूरा इन्वेस्टिगेशन के साथ काम करती है, ये निर्णय उनको लेना है, इसके बारे में जवाब देने का अधिकार मेरा है ही नहीं, इसका नहीं, जवाब मैं एजेंसी। एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, बात मैं जनता ही कर रहा हूँ। हम लोग जनता के बीच घूमते हैं, पत्रकार हैं हम लोग, जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है जो कि बहुत रॉन्ग मैसेज है, इसका निदान भाजपा को करना पड़ेगा। जो भी मैसेज है कानून के हिसाब से ही चीजें होंगी, जनता के पास मैसेज भी उसी से जाएगा, ईडी अपना काम कर रही है, सुकेश रंजन ने अपना लेटर दिया है, और इस जो भी चीजें होगा सही, जो भी सही गलत है वो एजेंसी उसका निर्णय लेने हैं, इसमें पार्टी की कोई दखलंदाजी नहीं है। अवश्य कानून अपना काम करेगा, इस पर राजनीति का कोई हस्तक्षेप होता भी नहीं है, ना होना चाहिए। सतीश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।